अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सुमेरा, वेलकम टू कुकनोलॉजी। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन मंदी। ये अरबिक ट्रेडिशनल डिश है और अरब कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये बहुत ही ख़ास तरीके से बनती है, लेकिन मैं आपके लिए लाई हूँ मटन मंदी की होममेड बहुत ही आसान रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, वीडियो एंड तक देखिएगा। इसके बाद आप भी घर पे परफेक्ट मटन मंदी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। चलें तो फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके उसका पानी निकाल लिया है। प्याज के पानी में शामिल किया एक चाय का चम्मच नमक और एक ही चाय का चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, 3-4 कतरे ऑरेंज कलर। बस इस सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तकरीबन आधा किलो का मेरे पास मटन का पीस है। ये सारा मिक्सचर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से। ये एक छोटे वाला बेकिंग पैन है, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से फॉइल लगा दिया है अच्छे तरीके से। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आधा कप तकरीबन पानी ऐड किया है। पानी के ऊपर अच्छे तरीके से मैं बटर पेपर लगाऊंगी ताकि पानी ऊपर मीट तक ना पहुंचे। इसको अच्छे तरीके से लगाना है और ऊपर मैंने इस तरीके से मटन रख दिया है। बाकी जो मिक्सर है वो भी इसके ऊपर ही मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने अब पैक कर देना है, देखें इस तरीके से, और ऊपर से फॉइल को भी अच्छे तरीके से बंद कर देना है। मटन को बिल्कुल कवर कर देना है। ऊपर से एक और फॉइल की शीट ली, उसको मैंने अच्छे तरीके से प्रेस करके साइडें भी उसके सारी, देखें इस तरीके से बिल्कुल लॉक कर दिया है ताकि स्टीम बाहर ना आए। मटन को मैं बेक करूंगी 250 डिग्री पे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मैं टेम्परेचर 180 कर दूंगी और मज़ीद 2 घंटे बेक करूंगी। अब बनाने वाली हूं मैं मंदी के लिए सॉस या चटनी। 3 अदद टमाटर लिए, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया, और उसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 4 खाने के चम्मच जाएगा लेमन जूस। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके एक चटनी बना लूँगी, देखें इस तरीके से। 2 कप चावल मैंने धो के भिगो दिए हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा घी ऐड किया है और इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। एक बड़ी साइज़ की प्याज चॉप करके ऐड की, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैंने ऐड किए 2 चाय के चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए फ्राई किया। 2 कप जो चावल भिगो के रखे थे वो ऐड किए और ऊपर से मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। चावलों को कवर करके हाई फ्लेम पे मैंने 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया है। थोड़े से बादाम छीलकर मैंने ऑयल में फ्राई किए हैं 2 मिनट के लिए, और इसके साथ ही मैंने किशमिश को भी फ्राई कर लिया है साथ ही, देखें इस तरीके से। लास्ट में मैं मंदी को इससे गार्निश करने वाली हूँ, देखें हो गए हैं। चावलों को हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनको दम पे लगाऊंगी। थोड़े से पानी में मैंने ज़ाफ़रान ऐड करके रख दिया था, वो ज़ाफ़रान वाला पानी मैं ऊपर से ऐड करूंगी और इसको दम पे लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, देखें राइस अच्छे तरीके से गल चुके हैं, देखें कैसे ज़बरदस्त खड़े खड़े राइस हैं। चलें अब मटन मंदी सर्व करने के लिए रेडी करती हूँ। सबसे पहले राइस ऐड किए, ऊपर से ऐड करूँगी मटन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेक हुआ है। ऊपर से ऐड करूँगी बादाम और किशमिश जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखी है। साथ में रखूँगी खट्टी मीठी स्पाइसी सॉस। देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मटन मंदी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।